हेलो बच्चों जे सी एल सी तो अपन आज अभी स्टार्ट कर रहे हैं आपका जेवीएंस का अपना जो पेपर हुआ है उसका क्वेश्चंस का अपन डिस्कशन कर रहे हैं ठीक है so, तो बेटा अपने पास जो फर्स्ट सवाल है वो अपने पास क्या है वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द पॉइंट ए माइनस वन कॉमा ए प्लस वन लाइज इन दार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ द सर्कल्स दिस वन मेड बाय द कोड हुज इक्वेशन इज एक्स प्लस वाई टू इक्वस टू जीरो सवाल को अपने को कैसे अटेम्प्ट करना है अपने को का वैल्यू फाइंड करना है जिसके लिए ये जो पॉइंट है इसके लार्जस्ट सेगमेंट में आ रहा है तो मान लें कुछ ऐसा बेटा ये अपना सर्कल बन गया ऐसा दिस सर्कल ओके एंड सेगमेंट uh, uh, बना रहे हैं बेटा किससे बाय द इक्वेशन एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वस टू जीरो राइट तो बेटा ये क्या इसका इस कोड के थ्रू दो सेगमेंट बन रहे हैं सॉरी बेटा इस कोड के थ्रू अपने पास दो सेगमेंट बन रहे हैं पहला सेगमेंट दिस वन दिस लाइन इज एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो ठीक है ओके okay, बेटा तो है ना राइट सो अपने पास क्या है एक सर्कल है बेटा दिस अ सर्कल एंड दिस वन वी वी हैव कोड कोड इज x प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो तो बेटा इस कोड से अपने पास क्या है इसके दो सेगमेंट आ रहे हैं एक तो ये माइनर सेगमेंट एंड दिस वन इज मेजर सेगमेंट ठीक है ठीक है बेटा तो अपना पॉइंट पी कहां पे लाइक पॉइंट पी मेरा मान लोजे यहां पे है दिस इज पॉइंट पी विच इज पॉइंट इज ए माइनस वन कॉमा ए प्लस वन ठीक है आपको पता है यहां से कि ना ये पॉइंट पी इसके मेजर सेगमेंट में आ रहा है तो इस स्ट्रेट लाइन के लिए क्या इसका सर्कल का सेंटर सर्कल का सेंटर क्या बोलो सर्कल का सेंटर अपने पास है वन बाय टू कॉमा वन बाय टू थोड़ा सा ये डायग्राम है ना दैट नॉट गुड तो बेटा अपने पास यहां से क्या है ये सर्कल का सेंटर और पॉइंट पी दोनों क्या है लाइन के एक साइड में बिलोंग करेंगे ठीक है ना क्या होगा बोलो सर्कल का सेंटर और पॉइंट पी बोथ विल बी इन ए ए सेम साइड टू द स्ट्रेट लाइन तो बेटा ये आपका सर्कल का सेंटर पॉइंट इस लाइन के लिए क्या है दोनों एक ही साइड में बिलोंग करने वाले हैं तो लगा दीजिए बेटा यहां पे स्ट्रेट लाइन के लिए दिस इंप्लाइज अपने पास यहां पे क्या होगा इंप्लाइज़ वन बाई टू वन बाई टू यहां रखेंगे तो वन बाई टू प्लस वन बाई टू माइनस टू इन टू पॉइंट अपने पास क्या है ए माइनस वन प्लस ए प्लस वन माइनस टू इट शुड बी पॉजिटिव देखो प्लस वन से प्लस वन कैंसिल आउट यहां से क्या मिला अपने को टू ए माइनस का टू इन टू

तो पॉइंट पी सर्कल के इनसाइड है तो पावर ऑफ पॉइंट क्या होगा दैट विल बी नेगेटिव तो एक कंडीशन यहां से निकाल लेंगे हम लोग तो सेकंड कंडीशन से निकाल लेते हैं दैट इज इस पॉइंट को बेटा सर्कल में डाल दीजिए आप तो क्या बनेगा क्या बनेगा ए माइनस वन पावर टू प्लस ए प्लस वन पावर टू माइनस ए माइनस वन माइनस ए प्लस वन माइनस का सिक्स इट शुड बी लेस देन जीरो ठीक है तो यहां से बच्चों क्या मिलेगा ए स्क्वायर यहां से क्या मिलेगा बच्चों ए स्क्वायर माइनस का टू ए प्लस वन प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस वन और यहां से अपने पास माइनस ए प्लस वन माइनस ए माइनस वन माइनस सिक्स लसन जीरो तो देखो ए ए और आपका टू ए सब कुछ कैंसिल आउट तो अपने को फाइनली यहां से क्या मिला बेटा देखो ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर तो अपने को मिला टू ए स्क्वायर और टू ए स्क्वायर माइनस का टू ए टू ए स्क्वायर माइनस का टू ए वन प्लस वन और प्लस वन वन प्लस वन तो ये बन गया अपने पास ये वन से बेटा वन कैंसिल आउट हो गया आपका और ये टू माइनस का सिक्स तो बन गया आपका माइनस का फोर लसन जीरो सिंपलीफाईन करेंगे यहाँ से तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस का ए माइनस का टू लसन जीरो फैक्टर्स क्या बनेंगे ए स्क्वायर माइनस का टू ए प्लस ए माइनस का टू लसन जीरो सो यहां से बनगा ए माइनस वन सॉरी यहां से अपने पास क्या है बेटा ए 1 वन इन टू सॉरी ए प्लस वन इन टू टू लेसन जीरो तो यहां से अपने पास आ गया माइनस वन और प्लस टू तो माइनस वन से लेके टू और सेकेंड वाला अपने पास क्या था पहले वाली इक्वेशंस मतलब यहां से अपने पास ए क्या रहा बेटा माइनस एक से लेके दो तक और पहले वाले में क्या था a लेसन वन तो आंसर क्या बन गया आपका माइनस एक से लेकर प्लस ए सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट ठीक है ऑप्शन बी विल बी करेक्ट चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, नेक्स्ट सवाल अपने पास क्या है? द देंजन टू सर्कल एट दिस पॉइंट ऑल्सो टचेस द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सिक्स वाई प्लस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ठीक है तो बेटा क्या करें यहां से बोलो इस पॉइंट पे सर्कल के लिए टेंशन क्या लिखेंगे भाई टी बराबर जीरो क्या लिखेंगे बेटा टी बराबर जीरो ठीक है ये बेटा अपने पास क्या बन गया आपका टेंशन का इक्वेशन ठीक है तो यहां पे टी बराबर जीरो क्या आएगा बेटा एक्स एक्स एक एक वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू वन ठीक है तो यहां पे पॉइंट क्या आपका एक सॉरी इक्वल आ जाएगा ना अपने पास

सर्कल एक्स स्क्सर माइनस सिक्स एक्स सॉरी माइनस एट एक्स प्लस ट्वेंटी कॉर्डिनेट ऑफ करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बेटा ये टेंशन क्या है बोलो यह बेटा इस सर्कल के ऊपर टेंशन आपका यह सर्कल कौन सा है इसका सेंटर हमारे पास क्या है सेंटर क्या इसका चार कोमा चार को मैं

इस लाइन पे इस टेंशन पे क्या कर लें आप फुट निकाल लें बच्चों तो क्या बनेगा वो? एक्स माइनस का फोर एक्स माइनस का फोर एक्स कोर्डिनेट का एक्स का वन, काक्स टू इक्व टू यहां से क्या है बेटा इक्वस टू यहां से क्या है बोलो वाई प्लस थ्री अपॉन माइनस टू इक्वस टू माइनस इस पॉइंट को यहां पे रखा तो चार और प्लस दस तो क्या बना चार्लस चार प्लस छह दस दस माइनस पांच तो पांच बेटा पांच तो बेटा यहां बन जाएगा वन ठीक है तो यहां पर एक्स माइनस का चार एक्स का वन क्या बन गया बेटा प्लस तीन ठीक है और सेकंड से यहां पे क्या आएगा y प्लस का थ्री दैट इज इक्वल टू क्या बन गया आपका टू गया तो y यहां से क्या बनेगा आपका y बनेगा माइनस वन तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पीओसी से क्या बना बेटा थ्री कोमा माइनस वन है ना पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहां से क्या बना थ्री कोमा माइनस वन ऑप्शन सेंटर ऑफ सर्कल्स विथ कट सर्कल दिस वन एंड दिस वन ऑर्थोगोनली ठीक है तो हम क्या कर लेंगे बेटा ट द सर्कल लेट द सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो मैंने सर्कल मान लिया जो इस गिवन सर्कल को क्या कर रहा है बेटा और कट कर रहा है तो आपको भी याद होना चाहिए कि दो सर्कल्स को आपस में और कट करने कंडीशन क्या होती है बेटा ऑर्थोगोनल कंडीशन क्या होती है बोलो बेटा दैट इज टू टाइम्स ऑफ जी वन जी टू प्लस एफ वन एफ टू इक्वल्स टू सी वन प्लस सी टू ठीक है ना ये बेटा क्या होती है दो सर्कल्स के आपस में ऑर्थोगोनली कट करने के बच्चों कंडीशन होती है तो यहां पे क्या है ये जो गिवन सर्कल है इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया ये सर्कल जो है इस सर्कल को इसको और सेकंड सर्कल को क्या कट कर रहा है तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग ओर्थोकोलिटी की कंडीशन बच्चों यहां पे इंपोज कर देंगे हम लोग तो यहां से फर्स्ट टाइम क्या है बोलो टू इन जी इन इसका जी टू क्या बोलो इसका जी टू अपने पास है है ना टू है टू जी एक्स होता है बेटा तो टू है प्लस एफ इन टू, इसका टू क्या है टू एफ फाइव है ना तो एफ टू इसका माइनस का थ्री ठीक है एंड दट इज इसका सी क्या सी और उसका सी वन क्या सी टू क्या उसका नाइन है ठीक है तो इसको यहां से लिख पाएंगे दट इज फोर जी माइनस का सिक्स एफ बराबर सी प्लस नाइन ठीक है इसको मैंने सेकेंड मचो इक्वेशन बोल दिया ठीक है दिस इज द सेकेंड इक्वेशन और लास्ट से क्या है बेटा लास्ट से क्या बोलो एंड ऑल्सो लास्ट से क्या बोलो यहां से ट्वाइस ऑफ जी इन इसका जी टू क्या माइनस का फाइव बाई टू तो माइनस का फाइव अपॉन टू प्लस एफ इन इसका एफ टू क्या बोलो टू एफ इक्वल्स टू सी माइनस का टू तो यहां से क्या बना माइनस का फाइव जी प्लस का फोर एफ इक्व टू सी माइनस का टू ठीक है बेटा अब देखो यहां से तो अपने को सेंटर का लोकेशन निकालना है तो उसके लिए क्या सी आपका एक आर्बिट्री कॉन्सेंट की तरह है? बिहेव करेगा तो अपने को कैसे भी करके सी को यहां से हटाना होगा बच्चों है ना यहां से आपको सी को है ना रिमूव करना होगा तो यहां से किसी भी क्वेश्चन से मतलब इधर यहां से या यहां से सी को निकाल निकालने से सेकंड पुट कर दो बस तो पे सी निकाल सकते हैं हम लोग तो क्या बनेगा माइनस का फाइव जी प्लस का फोर एफ प्लस का टू बराबर सी बेटा इस को यहां पे पुट कर दें आप तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास सी को पुट करने पे? आपके पास मिल जाएगा आपके पास यहां से बच्चों मिल जाएगा नाइन जी ठीक है और माइनस का टेन एफ और नौ no प्लस यहां से दो ग्यारह तो माइनस का ग्यारह बराबर जीरो अब फाइनली क्या करते हैं आप जी को एक्स से रिप्लेस कर दो एफ को वाई से रिप्लेस कर दो तो आपका जो सी वाला पार्ट है दैट विल बी द आंसर है ना सी पार्ट विल बी द आंसर ठीक है नेक्स्ट वन नेक्स्ट में पास किया टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू तो दिस वन है ना फ्रॉम एनी आर्बिट्री पॉइंट पी ऑन द लाइन टू एक्स क्वस टू जीरोस्पॉ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट कोड ऑफ कॉन्टेक्ट पॉइंट मतलब कहां से पास कर रहे है. उस तो आपको बेटा है बच्चों आपको निकालने ठीक है तो अपने पास एक सर्कल है लाइक like ये अपना सर्कल बन गया दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन ठीक है टेंस ड्रॉन फ्रॉम एनी आर्बिटरी ऐसा कुछ हो रहा है ठीक है ना ये लाइन मान लीजिए टू एक्स प्लस वाई माइनस का फोर इक्व टू जीरो से क्या कर रहे हैं आपका इसके पॉइंट से ठीक है ना यहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग टेंजेंट बच्चों बना रहे हैं टेंजेंट ठीक है ना ऐसे करके टेंजेंट बना रहे हैं हम लोग ठीक है ये बेटा टेंजेंट बना रहे हैं ठीक है तो ये टेंजेंट क्या बेटा एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहे हैं ये मतलब है ना कोड ऑफ कॉन्टेक्ट इसको यहां पे ज्वाइन करेंगे हम लोग ऐसे ज्वाइन करेंगे ठीक है ना तो फिक्स पॉइंट बन रहा है आपका मीन्स ऑल दी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट विल बी पासिंग थ्रू ए फिक्स आपको वो फिक्स पॉइंट निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा इस लाइन पे एक आर्बिट्री पॉइंट ले लेंगे इस लाइन पे मैंने उसको ले लिया पी चलो इसको वाई को आप एक एल्फा मान लें ये एक्स को एल्फा मान लें तो यहां से वाई क्या बनेगा आपका वाई बनेगा फोर माइनस फोर माइनस टू एल्फा ठीक है अब बच्चों पता ही आपको कि किसी पॉइंट से सर्कल के ऊपर जो कोड ऑफ कांटेक्ट होता है उसका इक्वेशन क्या बनेगा इस पॉइंट P से है ना कोड ऑफ कॉन्टेक्ट सीओसी का इक्वेशन क्या होता है बोलो बच्चों दैट इज T बराबर जीरो क्या होता है बेटा T इक्वल तो जीरो होता है ठीक है तो सर्कल पे T बराबर जीरो कर दें आप तो सर्कल अपने पास क्या एक्स एक्स वन प्लस वाई ठीक है यहां पे क्या कर ले बच्चों आप कोड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन निकाल लें तो पॉइंट क्या आपका तो x अल्फा प्लस वाई इंटू वाई वन क्या आपका फोर माइनस टू एल्फा इक्व टू वन अब इसको फैमिली ऑफ लाइंस के टाइप से बना लीजिए तो क्या बनेगा अपने पास फोर वाई माइनस वन प्लस एल्फा इंटू यहां पे क्या बनेगा बेटा x माइनस का 2Y वाई इक्व जीरो ठीक है अब ये क्या बन गया आपका फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस बन गया और फैमिली ऑफ लाइंस एक फिक्स पॉइंट से पास करती है और वो फिक्स पॉइंट क्या होता है बोलो बच्चों उन दोनों लाइंस का आपस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है तो यहां से हम क्या करेंगे इसको जीरो बना दे बेटा इसको जीरो बना दे तो फर्स्ट से क्या आएगा वाई बराबर वन और सेकंड से बेटा क्या आएगा

क्स फाइन देंथ ऑफ दिथ रेस्पेक्ट टू दर्कल ऑफ दर्कल फाइंड देंटेक्ट विस्पेक्ट टू द डायरेक्टर सर्कल ठीक है टू दर्कल तो बच्चों को पता है कि डायरेक्टर सर्कल के किसी भी पॉइंट से आप सर्कल पे टैंजन बना रहे हो तो बेटा उन टैंजन के बीच का ऑलवेज एंगल क्या होगा 90 डिग्री ठीक है मतलब डायरेक्टर सर्कल होता ही क्या है बच्चों उस का लोकस जहां से हम सर्कल पे क्या कर बेटा को बना पाएं। तो यार बात है कि के के किसी भी पॉइंट से डायरेक्टर सर्कल के किसी भी पॉइंट से आप सर्कल पे टेंजेंट बना रहे हो तो उनके बीच का एंगल क्या बनेगा विल बी 90 डिग्री ओके okay? तो यहां से क्या बोलो भाई ये मान लीजिए आपका सर्कल है बेटा दिस इज अ सर्कल एंड सर्कल का सेंटर क्या अपना सर्कल का सेंटर सी क्या आपका सी आपका यहां पे है बेटा माइनस ए कोमा बी ठीक है अब बेटा यहां से क्या करो आप डाक्टर सर्कल के किसी पॉइंट से डाक्टर सर्कल हमेशा रूट टू टाइम्स ऑफ रेडियस होता है तो यहां पे किसी पॉइंट से आप इसके किसी भी पॉइंट से आप टैंज बना रहे हो किसी पॉइंट से आप टैंज बना रहे हो तो बेटा टेंजन बना रहे हो ठीक है ना दिस इज दिसन इसके बीच का एंगल क्या आएगा बोलो 90 डिग्री आने वाला है ठीक है अब देखो बेटा तो आपको यहां से क्या करना भाई इस कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है ना पॉइंट ए मान लीजिए ये पॉइंट बी मान लो तो आपको बेटा ए बी जो कोड दिख रहा है ना आपको इसका लेंथ यहां से फाइंड करना है अपने क्या करना है यहां से ए बी जो कोड है इसका बच्चों लेंथ फाइंड करना है ओके okay? तो <coughs> मैं इसको यहां से बेटा ज्वाइन कर दू सेंटर्स ज्वाइन कर दें तो ये भी क्या आपका 90 डिग्री और ये भी क्या आपका 90 डिग्री तो बेटा 90 होगा बच्चों ठीक है अब इसको ज्वाइन कर दू यहां से ठीक है तो ये क्या बनेगा आपका फोर्टी फाइव दिस विल बी फोर्टी फाइव डिग्री ठीक है भाई ये फोर्टी फाइव डिग्री बच्चों बन जाएगा ठीक है ना अपने को यहां से निकालना क्या भाई फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट तो अपने को लेंथ ऑफ ए बी निकालना है क्या निकालना बेटा लेंथ ऑफ ए बी निकालना है तो यार आपको दिख गया बस यहां से या ये कंप्लीट एंगल यहां से क्या आपका 90 डिग्री बन रहा है ठीक है तो यहां से क्या आपका टेन ट्रायंगल इसको मैंने सी पॉइंट मान लिया ए सी बी बन गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल बेटा ये नाइनटी डिग्री बन गया इसका तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना तो ये ए ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बेटा सी क्या आपका एसी रेडियस है और सी भी क्या आपका रेडियस है सो दैट विल बिकम ट्वाइस ऑफ स्क्वायर अब इसका रेडियस निकाल लीजिए तो इसका सर्कल का रेडियस क्या बनेगा अंडरवूड जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी तो ए रेडियस क्या बनेगा इसका अपने A B A का B ठीक है तो बेटा ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट तो यहां से क्या बनेगा आपका ये बनेगा बी ठीक है तो अपने पास यहां से अपने पास यहां से टू बी स्क्वायर बन रहा है यहां से तो अपने पास ए बी स्क्वायर क्या बनेगा ए बी स्क्वायर बनेगा टू इंटू ठीक है और आर स्क्वायर क्या आपका टू इंटू बी स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दिया तो ए बी यहां से क्या बनेगा बेटा ए आपका यहाँ से बन जाएगा टू इंटू बी ठीक है लेंथ ऑफ़ ऑफ़ विल बी बी, टू सो ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट ठीक है फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, थैंक यू नेक्स्ट वन टू वर्टेक्स ठीक है ना ऑफ ए ट्रैंगल आर फोर को माइनस थ्री एंड माइनस टू को फाइव टू अटेक्स इफ द ओर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्रेंगल इज एट पॉइंट वन कोमा टू देन फाइंड द थर्ड वटेक्स बिल्कुल सिंपल सवाल है कैलकुलेशन पे आपका बेस्ट है ठीक है तो मान लीजिए बेटा अपने पास कोई ट्रैंगल ले लिया मैंने इसकी दो ये ए वर्टेक्स, बी को मैंने मान लिया चार कोमा माइनस तीन और सी को बेटा मान लिया माइनस दो कोमा पांच, ओके एंड ऑर्थो सेंटर कहाँ पे इसका औरटर बच्चों एच आपका कहाँ पे है वन कोमा टू पे और इज ईयर तो आपको पता है ऑर्थो सेंटर क्या होता है ट्रायंगल के एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ कन्करेंस ठीक है तो अपने यहां से क्या करना भी अपने बच्चों ए पॉइंट के जो कनेक्ट सारे वो निकालना है तो अपना यहां से एच क्या आपका ऑर्थो सेंटर है 1,2 ठीक है तो एक तो इसका तरीका ये हो सकता है क्या बेटा इस एएच लाइन का इक्वेशन निकाल लो ठीक है पहले BC का स्लोप निकालो है ना स्लोप ऑफ BC एम बी सी यहाँ से क्या बनेगा भाई पांच प्लस तीन अपॉन माइनस दो पांच प्लस तीन अपॉन माइनस दो माइनस चार तो क्या बनेगा बेटा ये बनेगा माइनस का वन ठीक है बेटा यहाँ से क्या बनेगा आपका सॉरी 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 है ना ये बेटा बनेगा आपके पास एट कोमा माइनस सिक्स सो दैट इज माइनस का फोर अपॉन थ्री तो बेटा यहां से एम ऑफ ए AH, एच एम ऑफ ए AH एच यहां से क्या बच्चों थ्री बाई फोर क्या बोलो थ्री बाई फोर तो बेटा इस एच AH लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा एल्टीट्यूड का एच AH का इक्वेशन क्या बनेगा वाई माइनस वाई वन बराबर थ्री बाई फोर इंटू एक्स माइनस वन ओके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें सो फोर वाई माइनस एट इक्व टू थ्री एक्स माइनस थ्री तो यहां से बच्चों क्या मिलेगा थ्री एक्स माइनस का फोर वाई और प्लस का फाइव इक्वस टू जीरो ठीक है क्या मिलेगा बेटा थ्री एक्स माइनस का फोर वाई प्लस का फाइव इक्वस टू जीरो ठीक है तो बेटा एक तो अपन यहाँ पे ये देख सकते हैं आपका कि आपका जो पॉइंट है

स्क्वायर ऑफ साइड ठीक है स्क्वायर ऑफ साइड ए लाइज अबो द एक्स एक्सिस एंड हैजन वक्स एट द ओरिजन द साइड पासिंग थ्रू द ओरिजन मेक्स एन एंगल अल्फा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सएक्सिस ठीक है देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स diagonal. तो बेटा आपने बोला गया है साइड ऑफ स्क्वायर लाइज अबोव एक्सएक्सिस ठीक है और उसकी साइड लेंथ क्या आपका ए है ठीक है तो बेटा इसका डायग्राम अपने पास कैसा बनेगा कुछ डायग्राम अपने पास ऐसा बन जाएगा स्क्वायर ऑफ साइड ए लाइज लाइन अब एंड वन वर्टेक्स मतलब उसका एक वर्टेक्स एक्स पे पर बच्चों उसका एक वर्टेक्स ओरिजिन पे आ रहा है तो आपका स्क्वायर कुछ ऐसा बन जाएगा ठीक है ना लाइक स्क्वायर विल बी ऑफ दिस फॉर्म ठीक है ऐसा कुछ स्क्वायर बन जाएगा बेटा दिस टाइप का ठीक है इसको ओ वर्टिक्स है ए वर्टेक्स बी वर्टेक्स और सी ये उसने बोला बेटा एल्फाइ इसके साइड लेंथ अपने पास ए ठीक है तो बेटा ए जो पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट यहां से क्या आएंगे अभी ए कोसेल्फा कोमा ए साइन एल्फा ठीक है पॉइंट ए विल बी ए कोसेल्फा कोमा ए साइन एल्फा ठीक है एंड देन उसने बोला बच्चों देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स डायगनल नोट पासिंग थ्रू ओरिजिन तो बेटा उसने बात किया है कि उस डायगोनल का इक्वेशन निकालो जो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है तो बेटा उसका मीनिंग क्या बोलो उसका मीनिंग क्या हुआ कि बेटा आपसे वो इस डायगोनल का इक्वेशन फाइंड करना चाह रहा है तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं देखो ये एल्फा है ये आपका क्या है स्क्वायर है तो ये पाई बाय टू बनेगा तो सी जो वर्टेक्स होगा ये क्या गया आपका पाई बाय टू प्लस एल्फा तो यहाँ सी क्या बनगा आपका सी बन जाएगा बच्चों ए कोस पाई बाय टू प्लस अल्फा और ए इंटू साइन पाई बाय टू प्लस अल्फा ठीक है तो अपने पास जो सी वटक्स आएगा सी वटक्स यहां से क्या बनेगा माइनस का ए साइन एल्फा कॉमा ए कोस एल्फा तो आ गया अपने पास एक सी वटक्स आ गया एक वटक्स आ गया दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन ही तो आपका डायगोनल डायगोनल आराम से फोन फाइंड कर पाएंगे बिकॉज अपने पास ए पॉइंट भी है और सी पॉइंट भी है तो इसके बाद हम क्या करेंगे दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन लिखेंगे और उसे अपना आंसर बच्चों आ जाएगा ठीक है तो इसका आपका आंसर आ जाएगा इट में भी सही था ना अपना जो आंसर है यहां से है इसका बेटा बी वाला आपका आंसर आएगा ठीक है ना बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ठीक है ओके नेक्स्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ सेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजन एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द लाइन एक्स प्लस वाई ठीक है, तो अपने को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का बच्चों इक्वेशन निकालना है ठीक है पासिंग थ्रू ओरिजन एंड मेकिंग एंगल थीटा विद द गिवन लाइन ठीक है तो बेटा आप सबसे पहले यहां से क्या करेंगे भाई, ये आपके पास जो लाइन है ये जो लाइन है बेटो बच्चों ये कहां से पास करेगा x प्लस वाईक्स टू जीरो इसका स्लोप क्या बेटा इसका स्लोप अपने पास है माइनस वन ठीक है स्लोप विल बी माइनस वन अब यहां से अपने बोला गया है कि आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ सेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजन एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द लाइन एक्स प्लस वाई इक्व टू जीरो तो अपने पास यहां पे क्या बच्चों मतलब कोई लाइन ऐसा है है ना उसको मैंने मान लिया कुछ भी फॉर्म में y बराबर एमएक्स की फॉर्म मान लिया क्यों क्योंकि जो लाइन है वो कहां से पास कर रही है ओरिजिन से पास कर रही है तो उसका मैंने कोई एम स्लोप मान लिया अब उसने क्या बोला बेटा ये जो आपका एंगल है वो थीटा है ठीक है वो एंगल आपका थीटा है तो अपन जानते ही है कि टेन थीटा यहां से क्या आएगा बोलो बेटा टेन थीटा विल बी यहां से टेन थीटा क्या आएगा बच्चों टेन थीटा विल बी एम प्लस वन अपॉन वन का क्या होता है एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू तो वह एम प्लस वन अपॉन वन माइनस का एम बेटा इसका कंप्लीट का मोड ठीक है अब इसका स्क्वायरिंग कर दो यहां पे तो क्या बनेगा टेन स्क्वायर थीटा विल बी एम प्लस वन होल स्क्वायर अपॉन वन माइनस एम होल स्क्वायर ठीक है ना अब बेटा इसको अपन यहां से ओपन करें तो अपने पास ऐसा कुछ मिलेगा एम स्क्वायर यहां पर इसको क्रॉस कर स्क्वायर माइनस का टू एम प्लस वन इन टू टेन स्क्टा टू एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस वन तो बेटा तो अपन इसको एक साइड बैलेंस करें तो एम स्क्वायर का कोविशन यहां से क्या आएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस का टू एम से टेन स्क्वायर और यहां से माइनस तो बन गया वन प्लस टेन स्क्वायर सेक्स थीटा और फिर टेन स्क्वायर माइनस वन तो प्लस का टेन स्क्वायर थीटा माइनस का वन इक्व टू जीरो ठीक है अब बच्चों सीधी सी बात है कि उसने बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ सेट लाइन तो बेटा आपके पास दोस्त है ना यहां से देखो एम बी क्या क्वाड्रेटिक दिख रहा है अपने को तो यहां से क्या है एम की दो वैल्यूज आएंगे ना यहां से क्या बेटा एम के अपने पास दो वैल्यूज आएंगे ठीक है ठीक है एम के बेटा दो वैल्यूज आने वाली हैं ठीक है तो यहां से क्या आपका पेयर लाइंस कैसे बनेगा बोलो वाई माइनस एम वन एक्स इन वाई माइनस एम टू एक्स इक्वल टू जीरो तो यहां से क्या बनेगा ये वाई स्क्वायर माइनस इंटू एक्स वाई और प्लस एम वन एम टू एक्स जीरो तो बच्चों पता है अपने को, यहां से का क्या है? ना क्या होता है माइनस का बी बाई ए तो टू इंटू माइनस माइनस प्लस थीटा ठीक है तो 2 क्या बनेगा बेटा टू थीटा ओके okay. और m1 m2 यहां से क्या बनेगा m1 m2 यहां से बच्चों बनेगा 1 क्योंकि c सेम है और a भी सेम है तो m1 m2 यहां से बच्चों बन गया 1 तो लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा y2 माइनस m1 m2 क्या आपका तो 2 ऑफ sec2 थीटा है ना ट्वाइस ऑफ सेक्स स्क्वायर थेटा इंटू एक्स वाई और अच्छा कोई गड़बड़ तो नहीं होगा ऐसे अपने से अच्छा सी बाई ए भी होगा ना बेटा तो ये अपने पास इसको आप ऐसा कर लो कि देखो ना इसमें फॉर्म में दिया आपको सैक कोसे की फॉर्म में टू थीटा की फॉर्म में दिया है तो यार अपन इसको चेंज करेंगे ना थोड़ा सा यहाँ पे सी बाई ए अपने पास आएगा बाई यहाँ पे अपने पास टेन स्क्वायर थिएटा माइनस बेटा वन भी लगेगा तो ये बन जाएगा वन प्लस का टेन स्क्वायर तो ये बनेगा अपने पास ये प्लस बन जाएगा बच्चों माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का टू सेक टू बन जाएगा बच्चों है ना ये बन जाएगा तो इसको यहां पुट करेंगे तो अपने पास बनेगा वाई स्क्वायर माइनस का माइनस प्लस टू एक्स वाई इंटू सेट टू थीटा और प्लस एम एम टू क्या आपका एम एम टू बच्चों वन है तो प्लस एक्स स्क्वायर

और दूसरा अपने पास क्या बच्चों y बराबर टू एक्स है ओके y एक्स तो टू क्या आपका टू एक्स है y क्या बेटा टू एक्स है ठीक है अब उसने बच्चों बोला है कि P lies on this line, this line ना P बेटा कहां पे इस लाइन पे तो यहां P मान लीजिए कुछ पॉइंट आपका P पॉइंट है इसको मैं एल्फा फॉर्म में ले रहा हूं और क्यू कहां पे बेटा आपका क्यू आपका यहां पे क्यों कहां पे दिस इज क्यू पॉइंट सॉरी क्यू पॉइंट बेटा अपने पास क्या मान लीजिए मैंने क्यू पॉइंट अपने पास क्या भी मैंने X को यहां पे बीटा मान लिया ठीक है बेटा ओके सो क्यू लाइज ऑन वाईक्स टू टू एक्स तो बीटा कॉमा टू बीटा ओके अब बच्चों आपको बोला गया है द इक्वेशन फॉर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू ठीक है तो so, बेटा पी क्यू का है ना यहां से मतलब यहां से क्या बेटा मान लीजिए सॉरी मिड पॉइंट एम मान लीजिए तो यहां से एम पॉइंट क्या बनेगा अपने पास एल्फा प्लस बीटा बाई टू कौमा, क्या बनेगा बेटा टू बीटा है ना प्लस टू बीटा अपॉन टू ये बनेगा बच्चों ठीक है है आपको पूछा गया देन द इक्वेशन फॉर बिजा द इक्वेशन ऑफ फॉर द लोकस ऑफ मिड पॉइंट पी क्यू पी क्यू बेटा आपको पी क्यू यहां से ना ये जो लेंथ है वो भी चार दिया गया है तो पी क्यू आपके पास यहां से क्या भाई फोर है पी क्यू आपका बेटा फोर है ठीक है तो सीधी सी बात है पी क्यू का डिस्टेंस लगा दीजिए और वहां से क्या बनेगा आपका एल्फा प्लस बेटा टू, ये है। एम को हम क्या बेटा? लेंगे ना तो एल्फा बेटा निकाल लो और पी क्यू का जो इक्वेशन बनेगा ना लाइक ऐसा टाइप का अंडर रूट एल्फा माइनस बीटा इसका स्क्वायर प्लस टू बीटा माइनस एल्फा स्क्वायर इक्वल टू बेटा फोर इसका स्क्वायरिंग करके अल्फा बेटा यहाँ से पुट करके यहाँ पे पुट करना आपको ठीक so, है सो मतलब थोड़ा लेंदी टाइप से बट बन जाएगा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट ठीक है नेक्स्ट वन है ना नेक्स्ट वन बेटा आपसे पूछा गया है एम को एन आर इंटीजर एंड विथ एन क्या जीरो से ग्रेटर है और एम छोटा है है ना ए इज द पॉइंट एम ठीक है ना तो बेटा एक कार्टिसन प्लेन बनाओ ठीक है ए पॉइंट तो क्या आपका एम है तो सी बात है एन क्या आपका एम क्या एन से बड़ा है तो लाइक समथिंग कोई पॉइंट आपका यहां पे आएगा दिस इज ए पॉइंट विच इज एम कोमा एन ठीक है अब यहां से एक बेटा लाइन पास कर रही है दिस लाइन इज वाई बराबर एक्स लाइन अब देखो अब इसके बाद यहां से अपने क्या बोला गया है इसके बाद अपने यहां से बच्चों बोला गया है कि बी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ

सी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ बी इन दाई एक्सिस तो बेटा आपका सी यहां पर आएगा ठीक है ना वाई एक्साउट रिफ्लेक्शन लेना आपने को सी समिंग यहां पर आएगा अपना ठीक है और सी में क्या हो जाएगा माइनस का एन कोमा एम फिर उसने बोला डी इज द रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस तो डी यहां पर आएगा आपका तो डी में क्या हो जाएगा आपका माइनस का एन माइनस का एम फिर ई e इसका बेटा रिफ्लेक्शन फिर से बन रहा है ई e आपका ठीक है -square बनेगा आपका यहाँ पे बनेगा बनेगा सॉरी तो ये बनेगा आपका ठीक है अब आपसे पूछा है एरिया ऑफ पेंटागोन A, B, C, D, है ना तो इसके लिए आपको यार एक तो आप ऐसे कर लो भाई ठीक है क्या आपको दिख रहा है यार आप है ना चारों वर्टेक्स को ज्वाइन कर दें ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला एक बच्चा आपका ये वाला एरिया बचा हुआ है ना तो आपको ना इस रेक्टेंगल का एरिया क्या बनेगा ये साइड क्या आपका टू एन और ये क्या आपका टू एम तो इसका एरिया क्या बन गया आपका इस रेक्टेंगल एरिया क्या बन गया रेक्टेंगल एरिया अपने बन क्या बनेगा यहां पर डाल देते हैं तो आपको पता ही बेटा ये पूरा यहां से क्या एम है यहां से एम है और यहां से अपने तो पास एम माइनस एन तो ट्राइंगल का एरिया क्या बनेगा वन बाई टू बेस इन हाइट बेस क्या बेस का टू एम टू एम इंटू इसका हाइट क्या एम माइनस एम तो टू से टू कैंसिल आउट हो गया तो एम स्क्वायर माइनस एम एन इसमें क्या करते हैं बच्चों ये स्क्वायर का ऐड कर दो तो यहां तो से आंसर क्या बनेगा एम स्क्वायर प्लस थ्री एम एन तो आंसर क्या बनेगा एम इंटू एम प्लस थ्री एम तो बच्चों ये अपने पास सवाल का आंसर बन गया है ना एम इंटू एम प्लस थ्री एन, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट ठीक है ऑप्शन बी विल बी करेक्ट ठीक है ना नेक्स्ट वन ए वेरिएबल लाइन एल इज ड्रॉन थ्रू जीरो जीरो टू मीट द लाइंस एल वन एंड एल टू ओके तो बेटा अपने पास क्या यहां पे? दो लाइंस हैं दो लाइन्स अपने पास ठीक है ये लाइन है ठीक है इनको बेटा एक लाइन है जो कहा से पास करे जीरो से पास कर रही है okay? इन को ना एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री इक्व टू जीरो एंड एल टू क्या अपने पास एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर

क्या करना है बच्चों पॉइंट पी का लोकस फाइंड करना है अपने ठीक है थीके? तो यार ये जो लाइन्स आपस में पैरा लाइन है तो मान लीजिए यार है ना इस लाइन पे पॉइंट आ गया ना ओरिजिन इस पे पॉइंट है तो मान लीजिए ओरिजिन से क्या बेटा एम का आर वन मान लो ओ से बेटा एन का आर टू मान लो और बेटा ओ से क्या है मैंने इसको मान लिया ये जो है ना लेंथ है उसको मैंने कुछ आर थ्री मान लिया कोई दिक्कत वाली बात यहां तक सब बढ़िया अब देखो बेटा तो अपन यहां से क्या करेंगे भाई आपको पता है यहां से वन अपन आर थ्री स्क्वायर और ये ओ एम क्या आपका अपॉन आर वन स्क्वायर प्लस वन अपॉन ओ वन लाइन का एंगल के अभी वो थीटा लिया। तो यार बड़े आराम से अपन यहाँ पे आर वन को निकाल सकते यार, है ना आर वन पे पॉइंट ये पॉइंट एम क्या है आपका एम पॉइंट क्या है एक्स माइनस जीरो कोस थीटा बराबर पैरामेट्रिक फॉर्म लगा दिया वाई माइनस जीरो अपॉन साइन थीटा और इक्वल्स टू आर वन तो यहाँ पे एक्स क्या बनेगा आपका एक्स बनेगा आर वन कोस थीटा और वाई क्या बनेगा बच्चों वाई बनेगा आर वन साइन थीटा ठीक है तो बच्चों अब है ना इस पॉइंट को मैं इस लाइन में रख दूंगा तो आर के अंदर मेरे पास क्या एक है, है ना एक इक्वेशन आ जाएगी यार आर के अंदर तो पे रखा क्या X1, R1 cos theta plus R1 sin theta, तो क्या आएगा एक्स वन आर वन को सीटा प्लस आर वन साइन 3 तो यहां से अपने पास आर वन साइन थीटा ना तो टू साइन थीटा अपॉन थ्री दैट इज वन अपॉन आर वन ठीक है बेटा वन अपॉन आर वन ठीक है मैंने ये ईक्वेशन 1 से निकाल लिया इसी टाइप से बेटा यहां से सेकंड इक्वेशन से क्या आएगा बोलो मतलब पॉइंट तो यहां पे क्या है r2 हो जाएगा यहां पे r2 हो जाएगा तो पॉइंट n क्या पे लाइन 2 पे तो यहां से अपने पास क्या बनेगा बोलो यहां से अपने पास बनेगा cos थीटा प्लस 2sin थीटा और प्लस का 4 है ना तो माइनस का 4 1 r2 तो बेटा एक तो ये वाला इक्वेशन और एक आपका ये वाला ठीक है एक ये वाला ठीक है अब दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें आप दोनों क्या कर दें बच्चों स्क्वायर करके ऐसे ऐड कर दें आप ठीक है स्क्वायर करके ऐड कर दें दोनों को दोनों को स्क्वायर करके यहां पे ऐड कर देते हैं अपन ठीक है तो क्या बनेगा देखिएगा स्क्वायर करके ऐड करने पे यहां से क्या आएगा अपने पास और लास्ट अच्छा यहां पे तो यहां पे अपने पास एस क्या बनेगा आपका लेंथ आर थ्री है ना तो अपने पास एच क्या बनेगा एच अपने पास आएगा आर थ्री है अब बेटा इसको अपन में लेंगे ठीक है अब दोनों को करके एड कर दें, आप पहले तो तो अपने पास यहां पे वन अपॉन आर वन स्क्वायर प्लस वन अपॉन आर टू स्क्वायर दैट विल इक्वल टू देखो बेटा ये जो फैक्टर है थीटा ये सभी जगह सेम आपका और यहां पे वन अपॉन सिक्सटीन और यहां पे वन अपॉन नाइन तो वन अपॉन सिक्सटीन प्लस वन अपॉन नाइन क्या बनेगा आपका वन अपॉन सिक्सटीन प्लस वन अपॉन नाइन और इन टू बेटा यहां पे अपने पास क्या बचेगा कोस थीटा प्लस टू साइन थीटा और बेटा इसका स्क्वायर ठीक है तो बेटा इसके बाद यहां से अपने पास आगे क्या बोलो यह एल से ट्वेंटी फाइव अपॉन वन फोर्टी फोर

बराबर 144 फोर्टी अपॉन ट्वेंटी तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ओके नेक्स्ट वन लेट पी क्यू आर बी राइट एंगल ट्रेंगल सो राइट एंगल आई स्कूल ट्रेंगल ठीक है राइट एंगल डेट पॉइंट पी तो मतलब कुछ ऐसा बच्चों यहाँ पे तो ये राइट एंगल आईस्क ट्रेंगल बना लीजिए आप ये पॉइंट पी है ये क्यू है ये आपके पास आर है अब यहां पे क्या बेटा पॉइंट पी अपने पास क्या है पॉइंट पी भी है वो पॉइंट पी अपने पास है वन कोमा टू ठीक है पॉइंट पी अपने पास वन कोमा टू है एंड क्यू का इक्वेशन अपने पास है बच्चों टू एक्स प्लस वाई माइनस का थ्री इक्वल जीरो है ना तो बेटा ये नाइनटी डिग्री है तो ये लेंथ और ये लेंथ आपका सेम होगा तो ये भी फोर्टी और ये भी क्या बच्चों फोर्टी दोनों फोर्टी पे आने वाले ठीक है? है? The है अब से क्या ना तो आप इसका पहले स्लोप निकाल लीजिए तो इसका इसका क्या क्या बनेगा? आएगा माइनस का टू आएगा अब इसका स्लोप क्या मान लें आप एम मान लें तो वो लगा दीजिए आपका टेन फोर्टी फाइव इक्व टेन फोर्टी फाइव इक्व टू एम प्लस टू अपॉनस का टू एम ठीक है में बच्चों करके पे M बनेगा तो बेटा एक तो एम वन इसका एम टू इसका आ जाएगा तो इसका स्लोप है पॉइंट है तो pr का इक्वेशन निकाल लो इसका स्लोप भी आ जाएगा और qr का अपने पास इक्वेशंस भी आ रहा है तो pr भी अपने पास है और अपने पास pq भी है सो तो, पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है मतलब इस लाइन को बेटा इससे आप इंटू कर देंगे तो आपको यहां से ऑप्शन मिल जाएगा ठीक है ना क्या बच्चों अपने पास स्क्वायर इज है ना इन इन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का टू एक्स प्लस का फोर वाई प्लस थ्री को सुड आर पैर टू एक्सिस ठीक है कॉन्ड एक्सिस ठीक है देन वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर इस ठीक है तो यार स्क्वायर का इसका सेंटर क्या इसका सेंटर अपने पास है वन कमा माइनस का टू और इसका रेडियस क्या बच्चों इसका रेडियस क्या अपने पास जी स्क्वायर वन प्लस फोर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का थ्री इसका बच्चों रूट तो क्या है बोलो अंडर रूट टू आ जाएगा बच्चों ठीक है अभी रूट ऑफ आ जाएगा ठीक है <coughs> तो यार अपने पास स्क्वायर सर्कल कहाँ पे आएगा बोलो ये सर्कल अपने पास फोर्थ क्वार में आने वाला है कहाँ पे आएगा बोलो फोर्थ क्वार के अंदर आने वाला है ठीक है मतलब कुछ ऐसा बनेगा अच्छा रूट टू है और इसका सेंटर यहाँ पे है। तो बेटा कुछ ऐसा बनेगा है ना रूट टू है ना तो अपने पास इसका सेंटर क्या है एक माइनस का दो है ठीक है क्या अपने पास रेडियस इसका रोट टू है और सेंटर इसका है माइनस का एक कोमा दो एक को माइनस दो ठीक है तो अपने पास ये कुछ ऐसा बन जाएगा ठीक है ना ऐसा ठीक है सेंटर का का आपके पास सेंटर इसका अपने पास है एक कोमा माइनस दो और इसका रेडिस अपने पास क्या है रेडिस बच्चों अपने पास है एक कोमा चार माइनस दो तो रूट टू है ठीक है रेडिस अपने पास रूट टू है बच्चों ठीक है <coughs> तो अपने पास कुछ ऐसा बनेगा बच्चों सर्कल है ना थोड़ा दिस इज नॉट ए गुड डायग्राम ऐसा बन जाएगा ठीक है <coughs> यह आपका सर्कल बन गया इसका सेंटर के अपने पास एक कोमा माइनस का दो है ठीक है अब उसने बोला बेटा एक स्क्वायर बनाना इसकी एक्सिस क्या बोलो साइड्स क्या पैरेलल टू एक्सिस है तो मतलब कुछ ऐसा बनेगा ना ऐसा वाला यह वाला बेटा पे आपका आप स्क्वायर बन गया ठीक है ऐसा वाला स्क्वायर बन गया ठीक है अब उसने बोला बेटा तो यार आपको पता है स्क्वायर है तो बच्चों अपने पास है ना ये वाला क्या बनेगा नाइनटी डिग्री सॉरी नाइनटी ना तो फोर्टी का बन गया आपका पूरा ही तो यार सीधी सी बात है इसको आप ए मान लो इसको B लो, इसको C, इसको D, ठीक है? और सर्कल रेडियस क्या आपके पास? रूट टू है, तो ये भी रूट टू के सेंटर से आपका और उसका थीटा क्या आपका थीटा अपने पास फोर्टी फाइव आ रहा भाई तो पैरामेट्रिक फॉर्म लगा दीजिए तो एक्स माइनस वन अपॉन कोस फोर्टी फाइव दन अपॉन रूट टू और वाई प्लस टू अपॉन वन अपॉन रूट टू इक्वस टू क्या बोलो बेटा प्लस माइनस रूट टू क्या बोलो प्लस माइनस रूट टू देखो ये चीज इसे आपका कैंसल आउट हो गया ठीक है तो यहां पे एक बार प्लस साइन ले रहा हूं मैं ठीक है फर्स्टली वी आर टेकिंग प्लस साइन ठीक है प्लस साइन से यहां पर क्या बोलो एक्स माइनस वन क्वस टू वाई प्लस टू इक्वस टू वन ठीक है बोलो, x 2 से तो बोलो? एक्स बराबर टू एंड बराबर साइन से क्या बोलो बेटा माइनस साइन से क्या एक्स माइनस वन इक्वस टू वाई प्लस टू इक्वस टू माइनस वन तो यहां से अपने पास क्या बोलो भाई एक्स विल भी जीरो एंड वाई विल बी माइनस थ्री तो यार एक वटक से अपने पास आ गया है जो ये ए वटक आया वो है जीरो कोमा माइनस थ्री और सी वटक आपके पास जो आ रहा है वो क्या है दो कमा माइनस एक ठीक है अब आपके पास यहां पर क्या बोलो भाई ठीक है अपने पास क्या आपका जीरो का माइनस तीन

तो बी वटेक्स अपने पास यहाँ पे क्या आएगा रूट टू दूरी नीचे लेके आएंगे अपन तो टू कॉमा माइनस वन माइनस का रूट टू और इसको ऊपर लेके जाएंगे बच्चों तो क्या बनेगा बोलो एक्स उसका फिक्स ही होगा कॉमा माइनस थ्री कॉमा माइनस रूट द फोर वर्टेक्स तो उसने बोला है देन द वन वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर इनमें से कोई भी नहीं आ रहा ना तो बेटा यहाँ पे क्या है नन ऑफ सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ऑप्शन डी विल बी करेक्ट द इक्वेशन ऑफ है ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द सर्कल तो बेटा सर्कल अपने पास यहाँ पे क्या रहा है यस yes, आवाज वगैरह सब प्रॉपर है ना ओके एवरीथिंग इज ओके ओके तो बेटा अपने पास क्या है ये जो सर्कल है इसका सेंटर अपने पास क्या आएगा सेंटर विल बी आर कोमा एच एंड जो रेडियस बच्चों यहाँ से क्या है रेडियस रेडियस विल बी आर प्लस एच स्क्र माइनस एच स्क्र तो बेटा इसका रेडियस भी क्या है बोलो इसका बेटा रेडियस अपने पास आ रहा तो है है तो सी बात सर्कल किसको टच करेगा एक्सिस को टच करेगा तो सर्कल का डायग्राम कुछ ऐसा बनने वाला है ये बच्चों डायग्राम बनेगा सर्कल का है ना सेंटर क्या इसका सेंटर आर कोमा एच और इसके रेडियस क्या आर है तो एक्सिस को टच करेगा तो पूछा इसके टेंजेंट्स कहां से फ्रॉम ओरिजिन

आप देखते हैं इसका। वो ही देखना पड़ेगा बेटा कि इसकी सेकंड जो टेंशन बनेगी बेटा ये वाली इसके लिए क्या करेंगे पहले इसका स्लोप निकालेंगे पहले तो यार ठीक है इसका पहले स्लोप निकालना पड़ेगा तो स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे बोलो ये सर्कल कौन सा अपने पास एक्स माइनस एक्स माइनस आर स्क्वा एक्स माइनस आर है प्लस वाई माइनस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ठीक है तो इस सर्कल के लिए एम स्लोप का टेंशन कैसे बनाएंगे सर्कल पे वाई माइनस एच बराबर एम इंटू एक्स माइनस आर प्लस माइनस आर इंटू अंडर रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर ठीक है ना यहाँ से अपन स्लोप निकाल सकते हैं अब ये टेंशन कहाँ से आ रही बोलो फ्रॉम जीरो जीरो से आ रही है तो इसे पुट कर देंगे अपन तो माइनस का एच बराबर माइनस का एम आर और प्लस माइनस आर इंटू अंडर रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर अब उसको उधर लेके जाए तो एम आर माइनस एच का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर इंटू बेटा वन प्लस एम स्क्वायर ठीक है स्क्वायर ओपन कर दें इसका तो एम स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच है कई प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एम आर इन टू एच इक्स टू यहां से क्या बेटा आर ना अब देखो एम तुम्हारा जीरो तो हो नहीं सकता क्योंकि टच नहीं कर रहा है जब एम आपका जीरो नहीं है बेटा तो इस वाले पार्ट को आप यहां से क्या कैंसिल आउट कर सकते हो तो अब यहां से क्या बनेगा एच स्क्वाइनस आर स्क्वा टू आर एच दैट विल बी एम तो बेटा इस लाइन का यहां स्लोप क्या बन गया एच स्क्यर माइनस आर स्क्वायर अपऑन टू आर एच तो इस लाइन का ऐसा इक्वेशन क्या बनेगा वाई बराबर एम एक्स एम का मान क्या है एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन टू आर एच इन टू एक्स तो बेटा इसका यहां पे इक्वेशन क्या बनेगा एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एक्स माइनस माइनस का टू आर एच वाई इक्व टू जीरो

बट इस सवाल में क्या दिया अपने को इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स तो इनफाइनाइट टेंजेंट कब आएंगे जब बच्चों ये क्या बन जाए तुम्हारा एक पॉइंट सर्कल बन जाए आपका कहां पे इस पॉइंट के ऊपर ही क्या बन जाए तुम्हारा पॉइंट सर्कल बन जाए तो इस पॉइंट पे इसको पॉइंट सर्कल बना दें अपन तो कैसे बनाएंगे बोलो इसकी रेडियस जीरो कर दें आप x2 y2 का 2x का 4y प्लस का लैम्डा

एज इट्स नॉर्मल तो बच्चों पता ही है कि दो नॉर्मल्स का पे इंटरसेक्शन होगा वो सर्कल का क्या बनने वाला है सेंटर बनेगा भाई किसी सर्कल पे नॉर्मल हमेशा कहां से पास करेगा सर्कल के सेंटर से पास करेगा तो ऑब्वियस बात है, इन दोनों लाइंस का इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा अपना सर्कल का सेंटर बनेगा तो निकाल लीजिए एक्स स्क्वा टू एक्स वाई एक्स वाई प्लस का थ्री एक्स प्लस सिक्स वाई इक्व टू जीरो बच्चों पता ही है कि पेर ऑफ लाइन के अंदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए आप क्या करते हैं उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाल लें आप एक बार एक्स के साथ एक बार वाई के साथ तो वहां से जो दो लाइन बनेगी ना उन दोनों लाइन का आपस में क्या कर लें आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें आप ठीक है वो वही क्या बनेगा आपका उस लाइन पेर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनने वाला है तो इसका पहले एक्स के साथ कर लें तो क्या बनेगा दो एक्स प्लस का दो वाई प्लस का तीन बराबर जीरो अब बेटा वाई के साथ कर लें तो वाई के साथ करने पे यहाँ पे दो एक्स और यहाँ पे छः बराबर जीरो तो एक्स का मान बन गया आपका माइनस का तीन माइनस तीन को बेटा आप यहाँ पे डाल दें आप इस जगह पे तो वाई आ जाएगा अपना तो माइनस का प्लस का दो वाई प्लस का तीन बराबर जीरो तो दो वाई बन गया बेटा आपका तीन बन गया तो वाई का मान आपका बन गया थ्री बाय टू तो बेटा सर्कल का सेंटर क्या बनेगा अपना सर्कल का सेंटर बनेगा माइनस का थ्री कोमा थ्री बाय टू ठीक है सर्कल का सेंटर क्या बनेगा माइनस का थ्री कोमा थ्री बाय टू बनने वाला है ठीक है क्या बनेगा आपका माइनस का थ्री कोमा थ्री टू बनेगा ठीक है अब बेटा उसने बोला है उसका साइज क्या है जस्ट सफिशियंट टू कंटेन द सर्कल मतलब इस सर्कल को कंटेन कर रहा है आपस में मतलब जो सर्कल है वो इस सर्कल को क्या कर रहा है बेटा कंटेन भी कर रहा है तो इस सर्कल को देखते हैं भाई चलो ठीक है ये सर्कल कैसा बनेगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस का थ्री वाई

ये आपका C2 है तो आपका यहां से क्या ना चाहिए C1 C2 शुड बी R1 R2 तब आपस में क्या करेगा भाई उसने बोला ना जस्ट कंटेन उसको कंटेन कर रहा है बस तो यहां से क्या करेंगे हम कि C1 C2 क्या ना चाहिए आपका R1 R2 के बराबर आना चाहिए यार, तो यहां पे लगा दो बस तो C1 C2 यहां से क्या आएगा अच्छा इसका रेडियस क्या रहा है बेटा इसका रेडियस इसका रेडियस क्या रहा भाई 4 नो बटा अंडर रूट तो ये अपने पास बनेगा फाइव अपॉन टू ओके अब देखो दोनों सर्कल्स के सेंटर के बीच की दूरी क्या आएगी यहां पे? दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच की दूरी क्या बनेगी दैट विल बी सी वन सी टू तो सी वन सी टू दैट विल बी यहां से क्या आपका दो तीन तो ट्वेंटी फाइव प्लस थ्री बाय टू 2, 0 बन तो तो इसका so C1, C2 5. C1, C2 5. तो बन गए इसका उसका सेंटर हमारे पास है और अपने को भी क्या करना है, उसका? अपने को उसका भी रेडिस निकालना है। तो रेडियस यहां से आ जाएगा यार यहां पे रेडियस क्या बनेगी सीवन सी टू पांच है तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि अपने पास क्या है का बोलो फाइव टू फाइव इक्व टू आर वन माइनस आर टू तो आर वन मेरे को फाइंड करना आर वन माइनस और इसका आर टू अपने दो आ रही है, तो अपने पास इसका रेडियस क्या आ जाएगा बोलो पांच प्लस पांच बेटा दो तो आ जाएगा फिफ्टीन बाई टू क्या आ जाएगा बोलो बेटा फिफ्टीन बाई टू तो सर्कल का सेंटर भी आ गया और उसका रेडियस भी आ गई तो सर्कल क्या बनेगा एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री बाई टू का स्क्वायर इक्वल टू फिफ्टीन बाई टू का स्क्वायर ठीक है ना इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेना आ जाएगा अपना आंसर ठीक है ये अपना आंसर है नेक्स्ट वन क्या बेटा अपने पास एंगल बिटवीन द टेंजेंट स्टिक इज ड्रॉन टू दिस सर्कल एट द पॉइंट वेयर इट इज कट बाय दिस लाइन इज पाई बाय देन तो आपको सी यहां से बच्चों पूछा है वो सेम सवाल आ गया अपने पास एक सर्कल अपने पास बना लिया ठीक है यहां पर क्या बोला अपने को एक पॉइंट अपने पास जहां से अपन दो टेंजेंट बना रहे ठीक है इनका बीस का एंगल के आपके पास नाइनटी डिग्री है ठीक है और ठीक है ये आपका तो ये लाइन आपको दिया गया है ये लाइन अपने पास यहां पे क्या रही है ये अपने पास यहां पे क्या रहा है टू एक्स माइनस का वाई प्लस का सीस टू जीरो आपको पता ही है कि यार मैं इसको ज्वाइन कर दूं सर्कल के सेंटर से इनको पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो ये भी क्या 90 डिग्री बनेगा और परपेंडिकुलर डाल दूं यहां पे तो ये क्या बने आपका 45 ठीक है अच्छा बेटा इस सर्कल का रेडियस क्या है बोलो इसका सेंटर अपने पास आ रहा है एक को मो स आएगा एक को मो तो इसकी रेडियस क्या आएगी सॉरी रेडियस क्या स्क्वायर प्लस चार माइनस एक तो ये आएगा दो रेडियस आपका दो. तो ये मान ए पॉइंट है ये आपका बी पॉइंट है ये इसका डी पॉइंट है तो यहां से अपन बी डी डी सी आराम से निकाल सकते हैं यार सी डी यहां से क्या आएगा बोलो बेटा सी डी यहां से बनेगा आपके पास मतलब आपका CD बन जाएगा टू फोर्टी फाइव तो रूट टू बन जाएगा बच्चों ठीक है अब अपने पास सी डी बन तो अब से गया रूटोटी तो का, का इस लाइन से दूरी का आपका, वो रूट टू है और वहां से अपन क्या आ सी निकाल सकते हैं तो, दूरी क्या है? बोलो बेटा दो माइनस है ना दो माइनस का दो प्लस का सी अपॉन अंडर रूट ऑफ एक प्लस है ना इसका इट शुड बी टू रूट टू देखो टू से टू कट गया आपका तो सी यहां से क्या बना आपका सी विल बी रूट टू इंटू रूट फाइव तो बन गया आपका रूट टेन क्या बना बच्चों रूट टेन तो वैल्यू ऑफ सी विल बी रूट टेन है ना वैल्यू ऑफ सी विल बी रूट टेन सो सी विल बी करेक्ट नेक्स्ट वन

सर्कल के पॉइंट जीरो जीरो पे टेंजेंट बनाई गई है और उस टेंजेंट के बच्चों ए पॉइंट से लेंथ क्या आपका एम है और बी पॉइंट से लेंथ क्या आपका एन है ठीक है द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज है ना तो आपको ए बी निकालना है ऐसे तो सर्कल का यहां से बच्चों डायमीटर क्या होगा ठीक है अच्छा बेटा इस सर्कल का सेंटर सी क्या आएगा बोलो ये पॉइंट यहां से क्या आएगा मिड पॉइंट आएगा तो ए 2 बी 2 ठीक है बेटा मैं इसको यहां पे जॉइन कर दूं तो इस लाइन का स्लोप क्या बनेगा इसका स्लोप क्या बनेगा बी अपॉन ए बनेगा तो बेटा इस लाइन का टेंजेंट का स्लोप क्या बनेगा इसका स्लोप बनेगा आपका माइनस का ए बाय बी ठीक है टेंजेंट तो एट वर्टेक्स का सॉरी टेंजेंट एट ओरिजिन का स्लोप यहां से क्या बनेगा माइनस ए बाई बी. तो बेटा यहां पे अच्छा टेंजेंट का स्लोप बन गया तो यहां पे क्या है टेंजेंट एट ओरिजिन ये बेटा क्या बन जाएगा बोलो y बराबर स्लोप क्या है माइनस ए बाई बी तो माइनस का ए बाई बी इंटू एक्स क्या बनेगा एक्स प्लस बी वाईस टू जीरो आपको दिया बेटा इस टेंजेंट से पॉइंट बी का दूरी क्या है एम पॉइंट ए का दूरी क्या है एम तो निकाल लीजिए यार पॉइंट बी और ए का दूरी निकाल लो पॉइंट बी से इसका लेंथ निकाले अपन तो क्या आएगा बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट वो क्या अपने पास एन है और दूसरे वाला अपने पास क्या है बोलो ए जीरो से ए स्क्वा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट विल बी एम दोनों को अपन ऐड कर दें मालस यहाँ पे तो एम प्लस एन यहाँ से क्या है बोलो एम प्लस एन विल बी एड एल से स्क्वायर एड किया तो अंडर रूट ए स्क्वायर

ये आपका सही है ठीक है नेक्स्ट वन इफ लाइन है ना इफ लाइन सेगमेंट टू ए है ना इज मूविंग इन द प्लेन एक्सो वाई ठीक है रिमेनिंग पैर टू ओ एक्स सो द्वाइंट है ना ए स्लाइड्स अलोंग द सर्कल मतलब कुछ ऐसा बच्चों यहां पे ये सर्कल इसका सेंटर का जीरो जीरो तो ये सर्कल बच्चों ऐसा बनेगा अपने पास, ठीक है, सर्कल पे चल रहा है मतलब ऐसा चल रहा है ना ये वाला एंड तो बच्चों यहाँ पे ए है ये आपका एम है तो उसने पूछा लोकस ऑफ एम लोकस ऑफ एम क्या होगा और ए एम का लेंथ यहां से गया अपने पास वो ए है तो बच्चों

प्लस ए स्क्वायर माइनस का टू ए एच प्लस के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अब बेटा ए स्क्वायर से आपका ए स्क्वायर कैंसिल आउट तो लोकस क्या बनेगा आपका अभी लोकस बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ठीक है और इक्वल टू टू ए एक्स सो दैट इज द लोकस ऑफ पॉइंट एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्व टू टू एक्स सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट ऑप्शन बी विल बी करेक्ट नेक्स्ट वन इफ थीटा इज एंगल सबटेंडेड एट पॉइंट पी एक्स वन वाई वन बाय द सर्कल ठीक है तो बेटा कुछ ऐसा आपने पास पास अपने पास है ये सर्कल आपके पास है ठीक है पॉइंट पी पे बच्चों है ना ये पॉइंट पी आपका सर्कल के थ्रू क्या टेंजेंट के थ्रू बेटा ना ये पॉइंट पी है पॉइंट पी अपने पास है एक्स वन ठीक है तो बेटा ये आपका सेंटर इसका सेंटर अपने पास क्या आएगा इसका सेंटर क्या है बोलो माइनस का जी और माइनस का एफ ये अपने पास सर्कल की रेडियस है बच्चों ठीक है तो आप सिर्फ अच्छा मैं इसको यहां पे ज्वाइन कर दूं क्या इसको ज्वाइन कर दूँ बच्चों ठीक है ये आपका थीटा कंप्लीट तो ये थीटा बाई टू हो जाएगा और ये भी क्या कहेगा बोलो बेटा दिस इज ऑल्सो थीटा बाय टू ठीक है अच्छा ये बेटा मान जे पॉइंट ए है ये आपका बी है ठीक है तो यहां से आपको थीटा पूछ रहा बेटा ना थीटा क्या होगा तो अपन यहां से बोल देंगे आपका आएगा एसी एसी का रेडियस और उसका रेडियस क्या आएगा बोलो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अपॉन बेटा एपी यहां से क्या आएगा ये लेंथ क्या होती है बोलो रूट ऑफ एस वन ना तो रूट ओवर एस वन तो यहां से बेटा थीटा क्या आएगा बोलो

तो बेटा ऑप्शन डी विल बी करेक्ट है ना फोर्थ जो पार्ट है दैट विल बी करेक्ट ठीक है नेक्स्ट वन बेटा आप अपने पास क्या इंटीजर टाइप के सवाल है ना इसका सेकंड जो पार्ट है सेक्शन है उसमें क्या इंटीजर टाइप के सवाल दिए गए ठीक है लाइन इज ड्रॉन थ्रू ओरिजिन ठीक है तो बेटा अपने पास कोई लाइन मान लीजिए आपका ये आपका लाइन है ठीक है ये आपके पास लाइन ही आप ऐसा ठीक है

मतलब ए और बी से क्या बच्चों दो लाइन बनाई गई है ए और बी से क्या बच्चों दो लाइन से अपन ड्रॉ कर रहे हैं मतलब कुछ लाइन ऐसी है जिनका एंगल क्या आपका है 45 दिया है ना इसको मैंने पी पॉइंट मान लिया ये भी तुम्हारा 45 और ये भी क्या बच्चों 45 दोनों एंगल्स क्या 45 फाइव है ठीक है द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस इज दिस वन मतलब उसको दिया आपको लोकस है ना पॉइंट पी का लोकस जो आ रहा है इसको मैंने एस कुमारी अच्छा, कुमा को बेटा इसे ज्वाइन भी करा दे रहा हूं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है तो बेटा ये आपका जो ट्रेंगल बन रहा है इसको मैंने पे कुछ पॉइंट मान लिया सॉरी ये तो ए पॉइंट दिया ना आपको तो बेटा ट्रेंगल पी ए बी ये कैसा बन गया आपका एक आईस्कोस ट्रेंगल बन गया ना क्योंकि ये 45 ये 45 तो मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दे रहा हूं बेटा

आप देखो मुझे पॉइंट पी का लोकस फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करेंगे बोलो ए टी अपने पास यहां पे क्या है आ रहा है ना अब देखो अब ट्रेंगल आपका o, A, में. अब फिर से क्या कर देंगे, लगा देंगे. तो यहां से क्या बनेगा एच स्क्वा आपका वन बाई टू तो वन बाई टू का स्क्वायर वन बाई फोर प्लस अच्छा बेटा ओ से टी का दूरी क्या है OA वन है और आपका एटी वन बाई टू है सो थ्री बाई टू बन गया है टेन बाई फोर सो फर्दर ये बच्चों बन गया तो तो कर दें इसको आप, so क्या बनेगा आपका? एच को रिप्लेस, X से, y को रिप्लेस क्या बोलो उसने बोला ना कि बेटा आपको इससे कंपेयर करना है स्क्वायर अभी इससे कंपेयर करना है तो ए क्या आपका ए आपका है दो भी क्या आपका दो है और सी क्या बच्चों आपका पांच भी लोकस अपने पास ये आ रहा है ना इसको वहां से कंपेयर कर ले आप तो ए का मान दो बी का मान दो और सी का मान पांच तो फाइनली बच्चों यहां से ए प्लस बी प्लस सी क्या बना आपका नाइन तो बेटा इस सवाल का आंसर क्या बनेगा नाइन तो इंटीजर टाइप वाले का पहले सवाल का आंसर आपके पास बन रहा है बच्चों नाइन तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आ रहा है वो क्या है नाइन है ना दैट इज नाइन ओके नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट अपने पास क्या बच्चों फोर पॉइंट्स पी क्यू एंड आर पी क्यू आर एंड एस आर टेकन ऑन द एक्स एक्सेस ठीक है आर टेकन ऑन द एक्स एक्सेस ठीक है सच दैट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन ओके

तो आपको यहां से फाइनली फिर K का बच्चों वैल्यू निकालना ठीक है ना ऐसा है तो यार अपने पास डिवाइड कौन कर रहा है आर और S डिवाइड कर रहे हैं ठीक है थीके? तो अपन ऐसा कर लेंगे इसको कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लिया है एक अपन यहाँ पे Q पॉइंट ले ले बच्चों ठीक है ओके ना अब देखो अपने पास यहाँ पे बोला गया है ठीक है पी एंड क्यू अब अपने से पूछा है बोला गया ऐसे PQ तो, जीरो जीरो so, तो दूसरा रेशियो क्या बोलो या तो केन आएगा या माइनस के पी क्यू को ना एक तो अंदर से डिवाइड कर रहा है और एक आर से डिवाइड करेगा बच्चों बाहर से डिवाइड करेगा ठीक है तो मैंने एक पॉइंट को आर को अंदर ले लिया और एक पॉइंट को मैंने एस को बाहर ले लिया ठीक है अब कुछ पॉइंट यहां बोल देते हैं अपन कि मैंने इसको मान लिया एक्स वन कोमा जीरो सारे पॉइंट्स कहां पे बोलो एक्स एक्सिस पे ना तो मैंने पी को ले लिया एक्स वन को माँ जीरो अपन क्यू टू को यहां पे क्या ले लेंगे एक्स टू को मैं जीरो ले लेंगे ठीक है और अपन आर वाले पॉइंट को यहां से क्या ले लेंगे कुछ एक्स थ्री को मीरो ले लिया है और एस वाले पॉइंट को अपन यहाँ से क्या लेंगे भी? X4, 0 ले लेंगे कर कर तो क्या करेंगे आपका अच्छा के तो दोनों का सेम है ना यार भी सेम है यहाँ भी सेम है रेशियो बिल्कुल सेम है, है बट एक इंटरनल डिवाइड कर रहा है और कहां से डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है ठीक है तो अपन यहाँ पे एक्स निकाल लेंगे इसका एक्स तो थ्री क्या बोलो एक्स थ्री अपने पास यहां पे आएगा है ना के इंटू एक्स टू और प्लस एक्स वन ठीक है ना और अपॉन के प्लस वन ठीक है और इसी टाइप से एक्स फोर क्या आएगा बोलो बच्चों एक्स फोर क्या बोलो ये एक्स वन ही डिवाइड कर रहा है तो यहां पे क्या लग जाएगा बोलो माइनस लग जाएगा ठीक है तो के एक्स वन सॉरी के एक्स टू और माइनस का x1 और अपॉन k माइनस वन ठीक है ओके ना अब देखो अपने पास है ना इसके बाद अपने पास यहाँ पे क्या दिया गया है कि आपके पास है ना p एंड q आर द रूट्स ऑफ अच्छा देखो बेटा यहाँ से क्या ना p और q उनके जो x कोऑर्डिनेट है ना मतलब x1 और जो एक्स है वो बेटा इसके रूट्स आ रहे हैं ठीक है मतलब p और q जो पॉइंट्स हैं उसके जो है ना x1 x2 आ रहे हैं जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो बेटा इसके रूट्स आ रहे हैं तो अपन बड़े आराम से हमें बोल पाएंगे कि अपने पास पास x1 ठीक है ना? वो अपने पे क्या आएगा? माइनस का टू बी वन अपॉन एन आएगा ठीक है ना अब इसी ढंग से यहां बोल सकते हैं अपन ये सेकंड वाला इक्वेशन क्या इसके रूट्स क्या है भी?

मतलब इन दोनों को अपने कैसे करके यूज करना है यहाँ पे ठीक है तभी आपका जो इक्वेशन है ना ए वन बी वन ए टू सी टू में बनेगा एक तो ये वाला एक आपका ये वाला ठीक है अच्छा अब देखो यार अपने और एक अपन यहां से के निकाल लेंगे दोनों इक्वेट करके बराबर कर लेंगे वहां से तो जो इक्वेशन बनेगा ना उसमें क्रोज गुणा होंगे आपका कहीं पे आपका लाइक है ना एक्स वन प्लस एक्स टू आएगा कहीं पे एक्स वन एक्स टू आएगा ठीक है तो इसके बाद यहां से के निकाल लेते हैं चलो तो बनेगा के प्लस वन इंटू एक्स थ्री इक्वस टू के एक्स वन और ये एक्स टू सॉरी है ना एक्स टू तो के एक्स टू और प्लस का एक्स वन ठीक है तो यहां अपने पास क्या बन जाएगा अभी के एक्स थ्री प्लस एक्स थ्री इक्वस टू के एक्स टू और प्लस एक्स वन ठीक है तो अपने पास के बच्चों बनेगा एक्स वन माइनस एक्स थ्री अपॉन एक्स थ्री माइनस एक्स टू ठीक है ये अपने पास बच्चों इस वाली इक्वेशन तो से कि आपका के का वैल्यू आ गया तो यहां से के निकालेंगे बच्चों यार के यहां से निकाल लिया ना इसी टाइप से क्या कर लेंगे आप इस वाली इक्वेशन से क्या कर लें के निकाल लेंगे ठीक है दोनों बराबर कर देना आपका आ जाएगा आंसर ठीक है दोनों इक्वेट कर दें आप है ना यहां से पहली इक्वेशन से के निकाल लो और इसी टाइप से क्या कर लेंगे आप सेकेंड वाले से आप निकाल लो के निकाल लो ठीक है दोनों को वहां से क्या कर दें आप बराबर कर दें और वहां से अपने को आंसर मिल जाएगा ठीक है भाई ओके ना नेक्स्ट वन ठीक है अपने पास क्या था कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट पी ऑन द लाइन ठीक है अपने पास कुछ लाइन ऐसा है तो बेटा अपने पास ये है ना थोड़ा देखिए ध्यान से तो अपने पास लाइन क्या आपका सिक्स एक्स प्लस वाई माइनस का नाइन 0 एंड पॉइंट इज लाइक वी हैव p माइनस थ्री कमा वन ठीक है सो so, पूछा आपने क्लोजेस्ट पॉइंट कौन सा होगा तो बेटा वो आपका अलॉन्ग परपेंडिकुलर रहेगा ये पॉइंट आपका तो ये दिस इज फुट पॉइंट ठीक है तो आपने पूछा यहाँ पे कैन बी एक्सप्रेस एक्सप्रेस ठीक है एंड वो क्या अपने पास ऑनरेट पूछा ठीक है तो फुट का बेटा अपने को y कॉन्ट पूछा ना फुट का y कॉर्नेट पूछा है तो उसको निकालेंगे अपन वाई कैसे आएगा बोलो y माइनस वन अपऑन वन दैट इज इक्वस टू माइनस अब बेटा इस पॉइंट को यहाँ पे डाल दो ठीक है माइनस का 18 प्लस का वन माइनस का नाइन अपऑन थर्टी सिक्स प्लस वन ओके सो वाई माइनस का वन इक्वल्स टू माइनस माइनस का नाइन माइनस ट्वेंटी सेवन ना तो माइनस का ट्वेंटी सिक्स अपॉन थर्टी सेवन तो वाई विल बी ट्वेंटी सिक्स अपॉन थर्टी सेवन माइनस का वन सो दैट प्लस हाँ सो ट्वेंटी सिक्स प्लस का थर्टी सेवन अपॉन थर्टी सेवन सो दैट इज

तो अपने पास दो लाइन्स है बेटा जो कहाँ से पास कर रही है सो द इक्वेशन एंड एल टू आर वाई एंड एन एक्स ठीक है एंड सपोज एलवन मेक्स ट्वाइस एज लार्ज ऑफ एन एंगल विद द होरिजेंटल ठीक है तो बेटा यहाँ पे पास अपने पास क्या दो लाइन्स हैं अपने पास क्या दो लाइन्स समझ बच्चों ठीक है एक आपके पास एलवन है एक अपने पास एल टू है एक अपने पास एलवन है एक अपने पास एल टू है, है. है. है ठीक है आपने बोला गया है है ना ओरिजेंटल मतलब इसके साथ बच्चों आपका एंगल क्या आपका है ना सपोज एलवन मेक्स ट्वाइस एज लार्ज ऑफ एन एंगल विद द है ठीक इन काउंटर एल टू एंड एलवन एलवन द स्लोप ऑफ एलवन मतलब बेटा ये आपका L1 है ये अपने पास एल टू है ठीक है और एंगल क्या बच्चों ये थीटा है तो ये ऊपर वाला क्या आपका टू थीटा है ओके, okay. ये थेटा बच्चों ठीक है अब ये अपने पास एल वन क्या है एल वन बच्चों अपने पास है एल टू क्या बच्चों ओके? Okay. क्या बच्चों ठीक है इफ एल वन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एन टू एन तो यहां से अपने पास क्या बच्चों इसका स्लोप क्या है एम इक्वस टू फोर एन है ठीक है अब अपने पास यहाँ पे m क्या है m अपने पास है tan 2 थीटा और n क्या है n अपने पास है बच्चों tan थीटा ठीक है अब इसको पुट कर देंगे अपन यहाँ पे तो अपने पास आ गया tan 2 थीटा 4 tan थीटा अब tan 2 थीटा का यहाँ फार्मूला यूज कर लें तो अपने पास आएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 minus स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू फोर इंटू टेन थीटा, ओके अब देखिएगा वो पैरेलल टू एक्स है नहीं ठीक so, है नहीं, तो एज टेन थीटा इज नॉट इक्वल्स टू जीरो ओके सो दिस पार्ट विल बी कैंसल आउट सो यहां से अपने क्या मिलेगा बच्चों वन बाय टू इक्व टू

लाइन विद द ग्रेडेंट टू मतलब उसका स्लोप क्या टू ए लाइन विद्सा एट दुमाटी ओके पास यहां पर क्या दो लाइन्स है दोनों का इंटरसेक्शन कहा हो रहा है फोर्टी को थर्टी पे ओके okay? इसका स्लोप हमारे पास क्या दो है इसका स्लोप हमारे पास क्या बच्चों सिक्स है तो बड़े आराम से अपन क्या कर लेंगे इसको मान लें एल वन है या आपका एल टू है बड़े आराम से यहां पे एल वन निकाल लेंगे एल वन यहां से क्या बनेगा वाई माइनस वाई वन तो वाई माइनस थर्टी टू स्लोप क्या इसका दो है तो टू इंटू एक्स माइनस फोर्टी ओके दिस इज लाइन लाइन वन एंड इसी टाइप से थर्टी टू सिक्स इंटू इंटू एक्स माइनस का फोर्टी अब बच्चों आपसे पूछा गया है देन डिफरेंस बिटवीन एक्स इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइंस तो बेटा एक्स इंटरसेप्ट कब आएगा बोलो वेन तो तो वाई जीरो तो तो निकाल लेना एक्स और इसी टाइप से यहां पे क्या कर दें वाई को पुट कर दें एंड अगेन वी गेट द एक्स इंटरसेप्ट ठीक है और फिर क्या करना आपको बच्चों उसका डिफरेंस निकालना ठीक है बिल्कुल आसान सवाल है ठीक है ओके okay. तो बेटा थैंक यू ये आपका पेपर डिस्कशन था जय